टैक्स इंक्रीज कर दिए गए हैं। आईफोन का टैक्स 1,50,000 रुपये कर दिया गया है। पीटीए ने तमाम मोबाइलों को टैक्स इंक्रीज कर दिए हैं। और मैं आपको बता दूं, जो मोबाइल लोकली मैन्युफैक्चर होते हैं उन पर भी 17% से 32% का ड्यूटी लगा दी है। इससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल पाकता मोबाइल स्टोर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। आइए हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में, मोबाइलों के टैक्स के बारे में। इससे पहले मैं बता दूं, मेरा पाकटेल मोबाइल स्टोर के नाम पे यूट्यूब चैनल है और मेरी एक शॉप भी है पाकटेल मोबाइल स्टोर के नाम पे, जो कि मैं 2018 से उस पर काम कर रहा हूं और मेरा 5 से 6 ईयर का एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से मैं मोबाइलों की अनबॉक्सिंग, रिव्यू, वाटर टेस्ट, कौन सा मोबाइल लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए और कौन सा गेमिंग मोबाइल है, गेमिंग टेस्टिंग वगैरह इस वीडियो पे, इस यूट्यूब चैनल पे दिखाता रहता हूँ। तो ये सब देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो हम टैक्स के बारे में बात करते हैं। तो जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने टैक्स मोबाइलों पर बहुत ही इंक्रीज कर दिए गए हैं। यार कोई मजाक होता है यार, कोई हद होती है टैक्स बढ़ाने की? यार मैंने कभी नहीं देखा किसी चीज पे इतना टैक्स इंक्रीज किया जाए। हर प्रोडक्ट्स पे टैक्स 5 से 10% होता है, ये थोड़ा होता है यार 100% टैक्स इंक्रीज कर दिया जाए। यार हद कर दी आपने यार, कुछ सोचने वाली बात होती है, कुछ समझने वाली होती है, कुछ हया होती है, कुछ शर्म होती है। यार देखें आप, मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है और मैं जो ओपिनियन है वही शेयर कर रहा हूँ आपके पास, जो रियल है। देखें आईफोन एक्सएस मैक्स है, उसकी रियल प्राइस है 75,000 रुपीज में आपको नॉन पीटीए मिल जाता है और उसका टैक्स है 80,000 रुपीज। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, अब टैक्स उसका कितना हो गया, इस टैक्स इंक्रीज होने के बाद 32% टैक्स हो गया, 32% ड्यूटी टैक्स, कस्टम टैक्स ड्यूटी टैक्स होता है और इसके अलावा 40,000 दूसरा टैक्स था। उनको आपस में टैक्स को लोने को एक मिस जमा करें तो 1,30,000 दिन के 1,30,000 रुपीज टैक्स बनता है। यार आप कमाल करते हो, एक चीज की इतनी वैल्यू ही नहीं है। हम खरीदने जब मार्केट में जाते हैं तो हमें 75,000 रुपीज का मिलता है और जो हम टैक्स पे कर रहे हैं वो 1,50,000 या 35,000 पे करते हैं। यार कोई हद होती है यार, कोई देखें यार क्या ये क्या हो रहा है। अब देखें कितना टैक्स है, आप अंदाजा लगाएं यार एक चीज पे इतना टैक्स, वो उतनी की मालकियत नहीं है उसकी, इतनी वैल्यू नहीं है जितना आपने उस पर टैक्स लगा दिया है। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। आईफोन 8 हो गया, 8 प्लस हो गया, इनके भी टैक्स इंक्रीज कर दिए गए हैं। ये पहले आपको टैक्स होता था इसका 30,000, लेकिन आप 45,000 रुपीज का कर दिया नॉन पीटीए। अगर आप आईफोन 8 प्लस लेने जाए, 8 आपको 35,000 का मिल जाएगा, 8 प्लस आपको इस वक्त के लिहाज जो चल रहे हैं रेट उसके 45,000 पीस का, बल्कि उससे 40,000 तक आपको नॉन पीटीए मिल जाएगा और उसका जो टैक्स है वो भी 40,000 है, 50,000 है। यार कोई हद होती है यार, क्या मजाक पकड़ रखा है गवर्नमेंट ने, क्या कर रहे हैं? मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही है गवर्नमेंट क्या कर रही है। हर आने वाले वक्त के साथ टैक्स बढ़ाई जा रही है, हर आने वाले वक्त पर टैक्स। बाकी मैं भाई जी, अगर आप मोबाइल खरीदने के मूड में, चाहे आप आईफोन खरीद रहे हो, चाहे आप कोई और मोबाइल खरीद रहे हो, चाहे आप लोकली मैन्युफैक्चरिंग से मोबाइल खरीद रहे हो, तो भाई जल्दी अभी जाएं खरीद लें, क्योंकि मोबाइलों के 5,000 5,000 रुपीज रेट इनवाइस रेट इंक्रीज होने वाले हैं। अभी देखें, अभी रिसेंटली वीवो ने इंक्रीज कर दिए हैं, अब मजीद इंक्रीज करने वाली है। एक हफ्ते बाद एक नई इनवाइस आने वाली है, स्टॉक नहीं दे रहे क्योंकि रेट इंक्रीज कर रहे हैं। रेडमी शाओमी ने इंक्रीज कर दिए हैं रेट, टैक्स ड्यूटी इंक्रीज कर दी है और सैमसंग ने रेट इंक्रीज कर दिए हैं और नोकिया ने रेट इंक्रीज कर दी। सारी कंपनीज ऐसे ऐसे रेट इंक्रीज करती जा रही हैं और आने वाले वक्त में पता नहीं रेट सामानों पे होंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने मोबाइल फोन खरीदने का सोच रहे हैं, आपका बजट है, तो अभी जाके खरीद लें व्यूअर्स, आगे बहुत ज्यादा तूफान आने वाला है।